अरे गाइस दिस मी डी डी डेरिन डेविल। तो कल ओके गया क्या राहुल वाइस अपने माया ग्रेवर को लिया था, एडे मकरे को लिया था, सिर्फ मॉरिस कैप्टन में वो फ्लॉप गया और संजू सैमसन लिया था बट बहुत लो वाइस कैप्टन के लिए अपॉर्चुनिटी दिया था तो इसके लिए अच्छा जीत मिला। मतलब ओके गया मैं बोल सकता हूँ, नॉट एवरेज नॉट गुड। ओके तो आज कमाल दिखाना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत बड़ा मैच है, डीसी वर्स एसआरएस। पंत है डीसी का कैप्टन, नॉट एसआरएस है, ये एसआरएस का कैप्टन वार्नर नहीं है, केन विलियमसन है। ओके तो आज का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, कल का ही ग्राउंड। तुमने देख होगा पिच कैसे है, फर्स्ट बैटिंग लेते बैटिंग लेते हैं और सेकेंड बैटिंग थोड़ा वो रहता है, थोड़ा टफ रहता है। स्पिनर ऑफ पेसर का दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन बोला है एज पर पिच कंडीशन वीकेंड को, तो मेरे हिसाब से फास्टर लोग को ही ले लो एज कम्पेयर टू स्पिनर। स्पिनर राशिद खान को तो पक्का ले लो क्योंकि वो प्रोफेशनल स्पिनर है। ओके तो प्रोबेबल इलेवन पे जाते हैं, दिल्ली कैपिटल का प्रोबेबल इलेवन में पिचो शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, स्टेस में और सिमरत माया, कोई एक जन रहेगा, मेरे हिसाब से स्टेस में रहेगा। ओके वैसे पंत कैप्टन विकेट के लिए मार्कस स्टोनिस, रमेश चंद्र अश्विन, अक्षर पटेल, कागिशोर अबड़े, एंड नोकिया अविस्का, ये दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग इलेवन है। और सनराइजर का प्लेइंग इलेवन में जाते हैं डेविड वॉलर, केन विलियमसन कैप्टन, विद्या मासा, मनीष पांडे, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, शेन राठौर, जेसन होल्डर। मोहम्मद नबी, शेन राठौर, जेसन होल्डर में कोई एक जन रहेगा, तो मेरे हिसाब से शेफन राठौर को चांस मिल सकते हैं बट मोस्टली चांस मेरे हिसाब से जेसन होल्डर को ही मिलेगा। ओके अब तो समय राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, कालिल अहमद, यह हैदराबाद का प्लेइंग इलेवन है। एटवेड ओवरऑल जाते 90 मैच खेले, पाँच आठ मैच दिल्ली जीते और 11 मैच हैदराबाद जीते, नो रिजीरो। यूएई में चार मैच खेले, दिल्ली एक ही बार जीते, हैदराबाद तीन बार जीते, तो हैदराबाद एफ्ट चांस टू विन दिस मैच। तो मोस्ट अच्छा पिक और ज़्यादा लोग लेने वाला पिक है शिखर धवन एंड राशिद खान। शिखर धवन का परफॉर्मेंस जैसे दिल्ली कैपिटल में मेन पिक है, लेना पड़ेगा, फ्लॉप भी होगा तो लेना पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा भी लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है शिखर धवन, 380 रन मारा, एवरेज ऑफ 54.20 है, स्ट्राइक रेट 134.27, 350 मारा है और अच्छा टच है उसका, यूएई में अच्छा टच था उसका और ये इंडिया में भी अच्छा टच था उसका, तो हो सकता है ये विल बी अ गुड प्लेयर, दैट्स व्हाई टेक शिखर धवन वाइस कैप्टन, कैप्टन कुछ भी बना सकते हो बस सेफर साइड के लिए। राशिद खान सनराइजर हैदराबाद का मेन प्लेयर, 10 विकेट निकाले, 16.14 के इकोनॉमी रेट एंड दिल्ली को भी हरा दिया था और देखते क्या होगा क्योंकि फैमिली इशू तो ये सब खेलेगा नहीं खेलेगा, लिटिल बिट टफ हो तो देखिए राशिद के लिए मेरे हिसाब से एंड विल सी व्हाट विल हैपन। तो लाइक तो बनते है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फाइनली टेलीग्राम में तो ज्वाइन हो सो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके थैंक यू। स्मॉल लीग टीम में जाते हैं, स्मॉल लीग में मैंने ऋषभ पंत को लिया, शिखर धवन को वाइस कैप्टन बनाया, मनीष पांडे, केन विलियमसन, पृथ्वी शॉ, मार्कस स्टोनिस, भुवनेश्वर कुमार, आविश खान, कागिशोर अबारा, कालिल अहमद, राशिद खान को कैप्टन। क्यों मैं धवन को बनाने वाला था कैप्टन बट मैं क्यों राशिद खान को, क्योंकि राशिद खान मे बी कैन डू बैटिंग एंड इवन कैन डू बॉलिंग। अभी मार्कस स्टोनिस का जब मैं जेसन होल्डर रहेगा ना तो यू कैन गो फॉर जेसन होल्डर। ओके स्पेस सेम क्योंकि क्रेडिट इश्यू रहेगा व्हेन डेविड वॉर्नर विल कम। ग्रैंड लीग में मैं विद्यमान शाह को लिया, डेविड वॉर्नर को कैप्टन, स्टीव स्मिथ एटमायर में कोई एक जिन को रख सकते हो, केन विलियमसन, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन, मार्कस रॉनी, जेसन होल्डर, हूएवर यू कैन टेक, भुवनेश्वर कुमार, आविश खान, कागिशोर, वो सब सेम है। ओके तो उतना चेंजेस नहीं है, सिर्फ बैट्समैन और चेंजेस है गाली और कीपर साइड में। तो विद्यमान शाह को तुम ले सकते हो, ऐसा नहीं बोला नहीं ले कि विद्यमान शाह यूएई में अच्छा परफॉर्मेंस करा था तो यू कैन टेक यू विद्यमान शाह, वाइस कैप्टन स्पॉट भी दे सकते हो ग्रैंड लीग। ओके तो ये टीम है मेरा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग, स्क्रीन शॉट निकाल सकते हो। अभी टॉप फाइव पिक्स में जाते हैं, ये लेट क्योंकि टॉप फाइव पिक्स में
बहुत अलग नाम है, केन विलियम्स है, एक अच्छा ब्रिट बैट्समैन है, एक बार मतलब थोड़ा टच होके खेलता है, तो वो यूएई में टच होके खेला तो भी ओके, बट मोस्टली चांसेस भी आउट। तो डेविड वॉर्नर, केन विलियम्स है ओके, श्रेयस अय्यर यूएई में वो अच्छा खेल रहा था, थोड़ा अच्छा एवरेज, कैप्टन था तब दिल्ली कैपिटल्स का, तो ओके यू कैन डू वेल। डेविड वॉर्नर ही वॉज फॉर्म इन देर, तो यूएई में मेरे को लगता अच्छा फॉर्म है, वो इंडिया में अच्छा फॉर्म नहीं कर पाया था इसका, वो कैप्टन से निकल गया था, खुद निकल गया, तो मेरे को लगता है आज ही अच्छा करेगा। भुवनेश्वर कुमार पेसर अटैक है यूएई में, दुबई में, तो गुड पेसर। मार्कस टोनिस ऑलराउंडर है, पेसर भी अच्छा है, बैटिंग भी अच्छा है, पर मैं मार्कस टोनिस को मैं ज़्यादा क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में मैं जेसन होल्डर, मार्कस टोनिस में कोई एक जन को ही लूँगा, तो मेरे से मैं मोस्टली में जेसन होल्डर रहेगा, मैं जेसन होल्डर को ही ले लूँगा, नॉट मार्कस टोनिस, ओके, क्योंकि मार्कस टोनिस को मैं लूँगा जब मार्कस टोनिस ओपनिंग करने आएगा, तो आई विल नॉट टेक, ओके। तो दिस इज मैच प्रेडिक्शन में जाते हैं, हैदराबाद जीतेगा 70% मेरे हिसाब से, हैदराबाद जीतेगा 70% अकॉर्डिंग टू द लाइनअप। इफ जेसन होल्डर है तो 80-90% होगा, नहीं रहेगा तो 70%, और देखिए टॉस जिसके जो बैटिंग लिया वो मोस्टली जीत रहे हैं, चेन्नई मुंबई में भी चेन्नई बैटिंग लिया जीता, और कल की मैच में पंजाब और राजस्थान का मैच में 2 रन से हार गया पंजाब, वो भी फर्स्ट बैटिंग लिया था राजस्थान में, पंजाब टॉस में फील्डिंग लिया, बस वो गलती किया, देखते भी क्या होगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, फाइनल टीम मिल जाएगा पक्का है, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।